अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज का मौजू बेहद संजीदा कह सकते हैं, क्योंकि अब मुसलमानों के खिलाफ नफरत इंतहा तक पहुंचती नजर आ रही है। आज एक नया ऐलान कुछ साधु संतों ने हाल ही में होने वाले कुंभ मेले को लेकर कहा, जिसे लेकर भारत की मीडिया भी बड़ा चढ़ाकर पेश करती है, जैसे उसे करना चाहिए क्योंकि उसी काम पर उसे रखा गया है। वैसे अब सोशल मीडिया, भाजपा, आईटी सेल से भी इसमें कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते। बात को आगे बढ़ने से पहले यह भी वाजा करता चलूं कि जिस समाज को लेकर इतनी नफरत फैलाई जा रही है, उसे ही मालूम नहीं कि साजिश किस हद तक पहुंच चुकी है। खैर, मुसलमानों की कैफियत पर आखिर में बात करते हैं। लिहाजा कुंभ के मेले में मुसलमानों की आमद पर रोक लगाने की मांग कुछ साधुओं की जानिब से की गई है। अब तक किसी तरह का सरकारी फरमान तो जारी नहीं किया गया, लेकिन हालात उस तरफ ही जाते नजर आ रहे हैं। क्या मुसलमान कुंभ मेले में जाते हैं, ये भी उतना ही अहम सवाल है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि गणेश त्योहार, होली या फिर दांडिया में मुस्लिम समाज को दाखिला न दिया जाए के बैनर्स, पोस्टर्स, तख्तियां लगाई गई थी। आपने भी देखा होगा अब हर शहर में मुस्लिम कारोबारियों का बायकॉट या इनसे रब्ता न रखने की बात भी करते हुए देखने को मिल रहा है, और इसे लेकर खुलेआम बहुत सारे लोग ऐलानात भी कर रहे हैं। कुंभ मेले को लेकर कई चैनल सुर्खियां भी बटोर रहे हैं कि जब मक्का मदीना में हिंदुओं का एंट्री नहीं तो कुंभ के मेले में क्यों, वैसा भी मुसलमानों का वहां कोई काम नहीं रहता, ये भी सच है। लेकिन भारत गरीबों का मुल्क है। एक बड़ा तबका आज भी मजदूरी, दिहाड़ी, सब्जी, फ्रूट बेचकर गुजारा करता है, उसे अपने धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता। मुसलमानों को लेकर तरह तरह के नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, और इसमें सियासी पार्टियों का भी अहम किरदार रहा है। भाजपा मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाकर हिंदू राष्ट्र के नाम से अक्सरियत हिंदुओं को मुत्तहिद करके मुल्क में हिंदू राष्ट्र लाना चाहती है, और इसे कई बार भाजपा के लीडरों ने कहा भी है। यह अलग बात है कि इन पर कार्रवाई किसी तरह की नहीं होती। अगर फिलहाल कर्नाटक की ही बात कही जाए तो टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश को मनाने को लेकर पुलिस दबाव देखा जा रहा है। मतलब मुसलमानों की हर हरकत पर दबाव बनाने की कोशिश किसी भी सरकार की जानिब से हो जारी रहेगा, ऐसा ही समझा जा सकता है। अब कुंभ के मेले में छोटे छोटे कारोबारी जो रोजाना 100-200 रुपए कमाकर अपने बीवी बच्चों का पेट भरते हैं, इस पर भी धर्म के नाम पर रोका जाने वाला है। पूरे भारत में थूक जिहाद नाम का लफ्ज अब आम किया जा रहा है। झूठ को बढ़ावा देना और एक समाज को अलग थलग करना, फिर इनकी नस्ल कशी करना, ये हिटलर का फॉर्मूला यहाँ भी चलते हुए देखने को मिल रहा है। मुसलमान आने वाले हालात से बेखबर है, ये भी एक बार फिर बताना जरूरी समझूंगा। थूक जिहाद से मुराद मुसलमान गंदगी फैलाते हैं, सफाई का ख्याल नहीं रखते, सब्जी फ्रूट पर थूक कर बेचते हैं, पाव भाजी पर थूक कर बेचते हैं, इस तरह की कहानियां घड़ी जा रही है। बेलगाम में भी इसी तरह का झूठ फैलाकर बेचारे भेलपुरी, पानीपुरी की गाड़ियां लगाने वालों के कारोबार को रोकने की साजिश भी चली गई। वीडियो खूब वायरल हुआ। वीडियो में एक नफरत थी, पाव भाजी में मुसलमान थूक कर दिया जाता है का इल्जाम कर रहा था। कार्रवाई करने की बात भी सामने आई। इत्तेहाद न्यूज ने जमीनी रिपोर्ट बनाने की कोशिश की, जिसमें हिंदू मुसलमान एकता की बात भी खुलकर तो आई, पर शक को जहनों में पैवस्त करने की कोशिश में कुछ हद तक ही सही फिरका परस्त कामयाब भी होते हुए देखा जा रहा है। लोगों में जो पहले का भाईचारा था, उसे कहीं तो नुकसान जरूर होते देखा जा रहा है, क्योंकि अब खुलकर बोलने के लिए लोग तैयार नहीं है। लिहाजा आज भी वो नफरती वीडियो फेसबुक पेज पर मौजूद है, लेकिन हटाया नहीं गया। इसका मतलब कहीं तो इंतजामिया की भी खामोश हिमायत हासिल है क्या? इस तरह का सवाल भी जहनों में आना लाजिम होता। इससे पहले सोशल मीडिया का ट्रैप क्या है, किस तरह उकसाया जाता है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया। खैर, अब थूक कर सब्जी, फ्रूट या खाने की चीजें ग्राहकों को बेचा जाता है की बात मुल्की सतह पर देखने को मिल रही। एक बात वाजा कर दूं कि इसमें कोई ज्यादती नहीं है। मुसलमानों से बढ़कर दुनिया में कोई सफाई का ख्याल ज्यादा नहीं रखता, क्योंकि सफाई को ईमान से जोड़ा गया है, ईमान का हिस्सा कहा गया है, और यह हदीस के अल्फाज है। नमाज से पहले भी सफाई के साथ मस्जिद में दाखिल होना पड़ता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि मुसलमानों के मोहल्ले में गंदगी ज्यादा होती है, पर इसका जवाब यह है कि सिर्फ मुसलमानों के मोहल्लों में ही इस तरह देखा नहीं जाता। जहां भी गरीबी होती है वहां पर सहूलतें कम होती है, और सहूलतों को नहीं दिया जाता, जैसे ड्रेनेज गटर और झोपड़ी नुमा घर। जाहिर है किसी भी धर्म के लोग हो वहां गंदगी रहती है, लेकिन वो मन मुस्लिम मोहल्लों को ही बतौर दलील पेश करते हुए देखा जाता है। और सबसे अहम बात, कोई थूक कर क्यों कोई चीज बेचे, क्योंकि किसी भी मामले में थूकने का कोई सवाल ही नहीं आता। थूकने का न तो कोई दीनी या दुनियाई किसी तरह का लेना देना नहीं है, पर नैरेटिव इस तरह से सेट किया जा चुका है कि मुसलमान थूक कर चीजें बेचते हैं। आपको याद होगा कि जब लता मंगेशकर की मौत हो गई थी तो शाहरुख खान, फिल्म अदाकार,
उसे तो ना दीन धर्म कोई लेना देना नहीं है। शाहरुख खान ने लता मंगेशकर पर फूंका था, पर यहां भी खबर चलाई गई थी कि शाहरुख खान ने थूका। मुसलमानों में दुआ पढ़कर फूंकने का रिवाज है और उसकी बड़ी अहमियत है, जिससे कई मरीज शिफायाब हुए हैं। कई गैर मुस्लिम मस्जिदों के सामने पानी का ग्लास लेकर इसलिए खड़े होते ताकि मुसलमान नमाज पढ़ने के बाद उसमें फूंक मारे, जिसे छोटे बच्चों को पिलाकर उनकी शिफा हो जाए। छोटे बच्चों को लेकर मस्जिदों में भी खड़े रहते हुए कईयों को देखा जा चुका है। लिहाजा मुसलमान थूकते हैं का नैरेटिव एक तरह से हिटलर की याद दिलाता है, जिसने यहूदियों के खिलाफ जर्मनी में माहौल बनाया था। लाखों यहूदियों को मारने से पहले जो माहौल बनाने की तरकीब को हिटलर ने इस्तेमाल किया था, उसी तरह का नैरेटिव अब भारत में मुसलमानों के खिलाफ चलाया जा रहा है। और ये कोई अब छिपी हुई बात नहीं है, ये अलग बात है मुसलमान नहीं जानते। आप गूगल भी करेंगे तो भाजपा हिंदुत्व तंजीमों की साजिशों का इल्म हो जाएगा। न्यूज चैनलों में सुबह से शाम तक मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना, खासकर मुसलमानों को घर नहीं देना, इनसे किसी तरह का कोई राब्ता न रखना, तिजारत न करना, गाँव में सब्जी फ्रूट वालों को दाखिल होने नहीं देना, मस्जिदों के बाहर आकर मजहबी नारे लगाना, स्कूल कॉलेज में बच्चों तक नफरत के पाठ पढ़ाना, भगवान लव ट्रैप के बहाने मुस्लिम लड़कियों को मुर्तद करना, लिहाजा मुसलमानों को अलग थलग कर इन्हें नए अछूते की तरह बर्ताव करना, ये तमाम मामले मुसलमानों के आने वाले मुस्तकबिल के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाले। वह बिल को लाकर लाखों एकड़ जमीन को सरकार अपने कब्जे में लेगी, हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर नौजवानों को तरबियत दी जाएगी, और अब इत्तला के मुताबिक बजरंग दल RSS VHP दे भी रहे हैं। थूक जिहाद इसी नफरत की एक कड़ी है, और दूसरी तरफ बेचारा मुसलमान, इसको कुछ भी मालूम नहीं है। लफ्ज जिहाद को तो वो कब का तर्क कर चुका है। आप नई नस्ल को पूछो जिहाद लफ्ज के मायने क्या है, वो जिहाद के मायने मीडिया ने जो बताया वही बताएगा, मतलब हकीकत से कोसों दूर आज का मुसलमान देखने को मिल रहा है। कुछ लोग अगर हालात का जायजा ले रहे हैं या देख रहे हैं तो वो भी अपनी अलग दुनिया में मोबाइल खेल रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर खुद ही बिलावजह फंस रहे हैं। मौलवी जुमा के रोज कुछ बोलेंगे कहकर खुतबा सुनने पहुंचोगे तो हालात इन्हें ही पता नहीं है, और पता है तो कुछ बोलना नहीं चाहते। मस्जिद के जिम्मेदार ने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है इस पर पाबंद लगाई हुई है। और मान लो किसी को आजादी है भी तो वो बोलकर खामखा क्यों मुसीबत में फंसूं, मुझे पुलिस ले जाएगी तो कौन सी कौम मेरे साथ खड़े होने वाली है, कि ज़हनियत में अब पाए जाते हैं। बड़ा तबका इन्हें कुछ भी मालूम नहीं। कल ही हावेरी हंगल में सब्जी बेचने वाले अब्दुल हुसैन साहब रज्जाक को थूक कर सब्जी बेचने का इल्जाम लगाकर कुछ फिरका परस्तों ने बेरहमी से इसकी पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। आप स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं। मामले को मीडिया में लाकर फैलाया गया। अक्सर बाजारों में आपको मुस्लिम ताजीर मिलेंगे, लेकिन जिस तरह की कहानियां बनाई जा रही हैं और एक भीड़ को इस काम में इस्तेमाल किया जा रहा है, आने वाले दिनों में बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। मुसलमानों के बड़े तबके को कुछ मालूम नहीं है, एक बार फिर बताना चाहूंगा। बड़ी बड़ी कोठियां, नई गाड़ियां, शादी, हल्दी, मेहंदी की फिल्मी अंदाज में तकरीबात, बर्थडे पार्टियां, कहने का मतलब तुम्हारी इज्तमाई कब्रें खोदने की तैयारी हो रही है और तुम बेहिस बेगैरत बनकर किसी तरह की फिक्र तुम्हारे चेहरों पर नजर नहीं आ रही। इतनी बड़ी कौम है पर किसी तरह का नज़्बुल ऐन इनके पास नजर नहीं आता। मुल्क के तकरीबन रियासतों के बड़े शहरों में मुसलमानों से कारोबार न करने के ऐलान किए जा चुके हैं। भले इसका कोई असर अब ना नजर आता हो, लेकिन जब असर नजर आएगा तो तुम्हारी हर कोशिश, हर जद्दोजहद उस वक्त बेअसर होगी, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।